अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब फैमिलीज, कैसे हैं आप सब? यकीनन सब खैरियत से होंगे। आज आपको फ्रेश कर देने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ और ये रेसिपी है पीच आइस टी की। और बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त ये रेसिपी होती है। पीच के मौसम आए हुए हैं, आड़ू बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं, तो चलिए हम बनाते हैं इस रेसिपी को। गर्म पानी उबलता हुआ मेरे पास था और इसके अंदर हमने डाल दी है 10 से 12 पीचेस। और मेरे पास पीच ये छोटे साइज़ के थे, आपके पास बड़े साइज़ के हैं तो आप कम भी ले सकते हैं, आप ज़्यादा या कम मिकदार इसमें बढ़ा सकते हैं। उबलते हुए पानी में इसको 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे और निकाल के इसको बिल्कुल बर्फ़ वाले पानी में चिल करने के लिए छोड़ देंगे। और इसके देखिए स्किन इस तरह से ये उतरने लगेंगे। स्किन को उतार के इसको हम ग्राइंड कर लेंगे ब्राउन शुगर के साथ। और ग्रीन टी है मेरे पास यहाँ पे ट्रॉपिकल पीच, इस मेरे पास 6 पैकेट है और 6 पैकेट हम डाल देंगे 6 कप पानी के साथ। और उबल गया है पानी यहाँ पे, उबलते हुए पानी के अंदर बैग डालेंगे और चूल्हे को यहाँ पे बंद कर देंगे। और इसको दूसरे बर्तन में हम इसको ट्रांसफ़र करके इसको भी बिल्कुल ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और जो हमने पीच लिया था, पीच के अंदर से हम इसके बीज को निकाल के खूब अच्छा सा इसको ग्राइंड करेंगे। और आपको जितना मीठा पसंद हो आप उतना मीठा उसमें डाल के, ब्राउन शुगर डालें या गुड़ डालें या चीनी डालें वो ऑप्शनली है, आपको जो पसंद है आप वो डाल के उसको खूब अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे। उसके अंदर पल्प्स नहीं होने चाहिए। अच्छा सा जब ये ग्राइंड हो जाए इसको हम फिर ग्लासों में डालेंगे बर्फ़, और बर्फ़ के साथ इसके अंदर हम डाल देंगे पीच के एक एक स्लाइस और जो हमने यहाँ पे ग्राइंड किया था पीच को ब्राउन शुगर के साथ। सबसे पहले ये पीच डाल देंगे हम इसमें ग्राइंड किया हुआ, उसके बाद हमने जो ग्रीन टी बनाया था यहाँ पे इसको भी खूब अच्छा सा ठंडा कर लिया था और ये डालेंगे बाद में। बहुत ही मज़ेदार और मूड को फ्रेश कर देने वाला ड्रिंक यहाँ पे तैयार है, आइस टी। आपको पी के बहुत मज़ा आने वाला है और आप बहुत फ्रेश फील करेंगे। सबको बहुत पसंद आया था, यकीनन आपको भी बहुत पसंद आएगा। बना के मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।